एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इतना सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है। गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको सुबोध कुमार शॉर्ट्स चैनल में स्वागत है। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य चुनें। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं, बल्कि समस्या यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हजार बार गिरो और हजार बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में आप दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और ताल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध ना करें और ना ही बहस करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो, यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा कमाते नहीं की और महंगी और दिखावटी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण, महंगी कारें आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। असल में एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं, फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। सातवां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया दें। मनुष्य के जीवन में जो दुख और उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं, जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए
ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। आठवां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक समान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। नवा नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हो, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। दसवां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। ग्यारहवां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें, इसलिए अलस त्यागे और काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि कठोरता से काम करें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया, उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस मॉरल स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।